not money, I'll meet it. Yes. If I'll get a chance, so thank you. Guys, ये जहाज की केबिन है जहाँ से पूरा जहाज कंट्रोल्स वगैरह दिखाए, 7 पोल होते हैं ना, यहाँ पे कोयला आता है फिलो के, तो वही हिसाब है। और ये वाला देखो भाई, ये आंखों से देखते हैं ना तो रियल में पता लगता है कि एक्चुअल में इतने बड़े जहाज भी एग्जिस्ट। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हैं हल्दिया में और अभी मैं जा रहा हूँ डॉक। तो जीजू तैयार हो गया, मैं तैयार हो गया। हाय बोलो जीजू। हाय हाय, अच्छी तरह हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। तो ये बच्चे कच्चे बैठे हुए हैं, दीदी तैयार हो रही है, मेरी ये पैकिंग कर रही है। हमने जब जाना है ना, ये वाला पैन के अंदर एंट्री होती है डॉक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ के लिए, ऐसे हम नहीं जा सकते है ना। तो ये अभी जोड़ रहे हैं, ये भी हम जाके वहाँ पे पहनेंगे और आपको समुंदर दिखाने वाले हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी शिपें दिखाने वाले हैं, बड़े बड़े जहाज दिखाने वाले हैं जो बाहर के जहाज हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ, आपको दिखाते हैं हल्दिया का टूर और साथ में डॉक। आते हैं हम लोग, अब चले हम नीचे, अब चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं आज का एरिया हल्दिया। वो देखो दीदी वहाँ पे ऊपर है और दीदी बाइक करते हुए, चलो आते हैं जल्दी हम लोग, ठीक है। तो अभी जीजू के साथ हम बाइक में जाएंगे। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਦੇ ਨੀ ਗੱਡੀ ਚੰਮ ਕਰਦੀ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿਮ ਚੰਮ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਤੇ ਸਤਾਰ ਮਾਲ ਲਮਕੇ ਨੀ ਪੱਟੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਪੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ। दोस्तों हम आ गए हैं डॉक एरिया में, ये देखो यहाँ से एंट्री होती है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। अब चलते हैं जीजू के साथ, और एक पास मिल गया गेट पास, यहाँ से देखो ट्रक वगैरह लगे हुए हैं सारे के सारे, चलते हैं लेट्स गो। सो गाइस, ये देखो जी डॉक एरिया, ये क्या है, कोयला, ये काला काला ये कोयला देख सकते हो, देखो क्रेने ऊपर कैसे काम कर रही है उसके ऊपर, और ये सब ट्रक अच्छा प्लॉट की कमी है, एक्सलेटर से रखना पड़ता है ऊंचाई में, ये कुछ ट्रक वगैरह देखो बहुत ज़्यादा कचरा वचरा भी है और इतना कीचड़ हो जाता है क्योंकि ट्रक ये आते हैं, गीला कोयला होता है ये पूरा डॉक का एरिया, और ट्रक्स वगैरह पूरे की पूरे नेशनल लेवल पे जाते हैं, यहाँ से अलग अलग जगह जाता है ये ट्रक वगैरह, यहाँ से अपना पिक करके हाँ पहले आते टाइम घूमते हैं ना, सब कुछ देख लेंगे, एक तो ट्रक वगैरह यहाँ से निकलते हुए आपको पूरा व्यू देगा हल्दिया डॉक का। ये देखो जी कितने ट्रक है, लाइन से सारे ट्रक लगे हुए हैं, और ये बारी बारी से निकलते होंगे ना जी, हाँ लाइन है ना, हाँ ये लाइन से जाएंगे, लाइन से एंट्री है वही लोडिंग होगी, अच्छा लोडिंग होगी वैसे ही लाइन से निकलेंगे, निकलेंगे वापस, ठीक है। लाइन अलग है, आउट की लाइन अलग, इनकी लाइन अलग होती है और आउट की अलग होती है, दो ट्रक वगैरह, ये देखो डॉक ट्रक वगैरह एकदम से आते हैं सामने, तो बच के चलना पड़ता है यहाँ। ओके जी, एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो पानी बंदा छिड़कते हुए जा रहा है कि मतलब अच्छा मिट्टी ना उड़े, धूल ना उड़े, इसलिए देखो ये पानी छिड़कते हुए, तभी मैंने सोचा कि ये गीला क्यों, ये देखो पानी छिड़क रहा है बंदा, ये देखो धूल नहीं तो उड़ती है ना बहुत ज़्यादा, धूल उड़ेगी तो फिर वो मतलब कि मुश्किल होती है ना, कपड़े उपड़े गंदे होते हैं। ये देखो दोस्तों, ये कंटेनर यार्ड है, जो भी फॉरेन या इंटरनेशनली जो भी कंटेनर आते हैं, जो स्टॉक आता है, ये कंटेनर में पैक होके आता है और वो समुंदर के राही उसे उतारा जाता है और यहाँ पर रखा जाता है, तो उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट में डालता है ना। हाँ, ये वो वाला डॉक एरिया है, वहाँ पर देखो शिप वगैरह लगे होते हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, हाँ वो अपना बहुत ही कीमती माल मंगाती हैं, अच्छा बहुत कीमती माल होके आता है और विद लॉक, हाँ विद लॉक, बहुत सेफ्टी होती है ना इसमें, ऐसी दवाएं होती हैं जिसके लिए एसी कंटेनर होते हैं, अच्छा एसी कंटेनर भी यहाँ अंदर में। जो हमें लेके आए एक जगह पे, कहाँ लेके आए एक बार दिखाएं, HIT पोर्ट हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट पे लेके आए, ये देखो जी ये बड़े बड़े शिप, कितना बड़ा शिप है और ये लगा हुआ है, ओ माय गॉड, ये चाइना का है, यांगजी नेविगेशन करके है,
और ये देखो जी ये पूरा का पूरा डॉक है, माल वेशर है। कौन सा बोला? तेल का जहाज। वो तेल के जहाज है वहाँ पे उस साइड लगते होते तेल हैं तेल का जहाज। वो भी अच्छा। यहाँ पे हल्दिया रिफाइनरी है ना। हाँ। तो कच्चा तेल पेट्रोल हो या डीजल हो। हाँ। वो यहाँ से आता है, उसके बाद वो सामने देख रहे हो वो रुचि है। हाँ हाँ। वहाँ पे खाने का तेल आता है, खाने का तेल। अच्छा ठीक है। वो रिफाइन तेल और तुम्हारा सरसों का तेल, सरसों का तेल जो आने के बाद फिर वहाँ से रिफाइन होने के बाद पैक होते हैं। अच्छा। यहाँ पे हल्दिया में फैक्ट्री है इसकी। ओके ओके ओके। पैकेट होके फिर अदर्स हर जगह में सप्लाई होता है, वागन लोडिंग होती है, फिर बाइक कार ट्रक वगैरह। सही है। आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, वो पनामा का जहाज है। पनामा का जहाज है, जैसे जब डोंकी लगती है तो लोग पनामा के जंगल से होके जाते हैं ना, तो ये वही वाला शिप है। उस मतलब वहीं का है, वहाँ पनामा का एक वो भी है, एक ना पाथ है जो बहुत फेमस है, वो शॉर्टकट रास्ता है समुंदर का। यहाँ से शिप वगैरह ना छोटे छोटे मतलब कि बहुत इजी तरीके से पानी भरता है, पहाड़ियों में चढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, पहाड़ियों में चढ़ा के शिप वाइज जाते हैं। उनका चैम्बर होते हैं। हाँ। एक चैम्बर में जाने के बाद पानी कम होगा, से पानी भरता है, भरेगा तो जहाज ऊपर आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो दूसरे चैम्बर में जाते हैं। हाँ। फिर वहाँ से पानी भरता है जहाज, फिर तीसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं। हाँ। ऐसे वो पूरे एक पहाड़ को क्रॉस करके। हाँ, ये बहुत बहुत वो फेमस है। तो आपको जहाज वगैरह दिखाते हैं, ये देखो कितने खतरनाक जहाज, देख के मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, कभी देखा नहीं इतने बड़े बड़े जहाज। सॉटन की एचएमसी क्रेन है, मोबाइल हर्बल क्रेन। मोबाइल हर्बल क्रेन, क्रेन ये सॉटन की होती है। सॉटन की होती है। हाँ, तो ये एक वेसल में फिलहाल हल्दिया के कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे 30,000 से 35,000 टन कार्गो। हाँ, हाँ, आता है। अच्छा ठीक है। तो इसे खाली करने में 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर लगते हैं इसको, में जहाज खाली। अच्छा, 24 घंटे में जहाज खाली होगा और उसके बाद वो रवाना हो जाता है ना। जैसा अभी लाइमस्टोन का जहाज लगा था जो। अच्छा, लाइमस्टोन। हाँ, खाली हो चुका है। हाँ, अब ये ट्रांसपोर्टिंग हो रही है हमारे साइड में। ठीक है, उधर ट्रांसपोर्टिंग। अच्छा, ये क्लीन भी करते रहते हैं ना साथ साथ। ओके ओके। ये देखो सब क्लीन वगैरह भी साथ साथ में करे जा रहे हैं, क्योंकि समुंदर का जहाज का जो होता है वो यहीं पे उतरता है सब सामान वगैरह। तो दोस्तों आप बताओ, आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है ये देख के, इतने बड़े जहाज को देख के मैं तो शॉक्ड हो गया। और जब मैंने देखा ये इतने बड़े बड़े जहाज भी होते हैं, जो जब टीवी में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तो वो हम इतना इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बट जब अपनी आंखों से देखते हैं, नंगी आंखों से देखते हैं ना, तो रियल में पता लगता है कि एक्चुअल में इतने बड़े जहाज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये तो चलो तब भी हैं बड़े, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जहाज होते हैं जो मतलब कि ट्रैवल करते हैं समुंदर के रास्ते। आपको थोड़ा नज़दीक जा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये बहुत गहरा होता होगा जीजू। हाँ, काफ़ी गहरा है ना, क्योंकि समुंदर यहाँ पे जहाज आकर लगते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ये देखो जी, देख के आपको पता लग रहा होगा। मुझे लेके जा रहे हैं दूसरी जगह, पर यहाँ पे बहुत वो कीचड़ है, क्योंकि ट्रक वगैरह चलते रहते हैं, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। स्लिप करा तो वही गया, कपड़े कपड़े सारे बैंड बज जाएंगे। ये देखो, ये वाली जो मैंने जैकेट पहन रखी है, ये वाली जो जैकेट पहनी है ना, ये पहननी बहुत जरूरी है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पे हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं। क्योंकि देखो बहुत कॉस्टली कॉस्टली सामान आते हैं, चीज़ें आती हैं ना, जिसके थ्रू बाहर का कोई बंदा अलाउड नहीं होता है, और बाहर का बंदा आएगा तो कुछ भी वो मतलब कि इधर उधर कर सकता है चीज़ों को, है ना। आप देख सकते हो, ये देखो दोस्तों मेरे जूतों का हाल क्या हो गया। ये देखो जूतों का हाल, ऐसी जगह में जूतों का हाल बुरा हो ही जाता है। ये देखो जी किस तरह से चल रहे हैं ये, और ये एम्बुलेंस भी है एट अ टाइम के लिए, अगर किसी को कुछ नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको ये एम्बुलेंस लेके जा सकती है एट अ टाइम। ये देखो दोस्तों, ये ना कोयले का जहाज है, और ये देखो कोयला कैसे खाली हो रहा है और कितना ज़्यादा आया है। ये चाइना से आया ना। हाँ। है तो जहाज शिप वहाँ चाइना का, ऐसा कुछ बात नहीं कि चाइना का जहाज है तो चाइना से ही आएगा। अदरवाइज कोयला ज़्यादा आता है नाइजीरिया जिम्बाब्वे। हाँ, बट इंडिया में जो वो हमारी वो है आपकी कोयल खान है, उसके अलावा भी क्यों आता वहाँ से? क्योंकि वहाँ के कोयले का दाम थोड़ा कम है। अच्छा अच्छा, प्राइस कम है ना। प्राइस कम है, और ठीक है। कि हमारे इंडिया में जैसे आसनसोल धनबाद में जो कोयल, हाँ हाँ हाँ, ये कोयल माइंस के कोयले काफी महंगे होते हैं। अच्छा, ये क्वालिटी वाले होते हैं कोयले, आप देख सकते हो। बिजली बनाने के लिए हाँ हमें खपत चाहिए। हाँ, उतना कोयला नहीं यूटिलाइज कर पा रहे पाते, क्योंकि जैसे कि बहुत सारी कंपनियां, हाँ, अदरवाइज बाहर दूसरे देशों को, हाँ, कोयला सेल कर देती हैं। अच्छा ठीक है,
इंडियन मनी प्राइस उन्हें कम मिलता है, कम मिलता तो है। वो क्या करते हैं कि फॉरेन में अपना कोयला सेल कर देते हैं। हाँ, और दूसरी कंपनियां क्या करती है, कम प्राइस में बाहर से अपना खुद का कोयला फिर वो इंपोर्ट करवाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखो शिप आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा है, और यहाँ से ये डेक नजर आ रहा है। ओके, ये देखो जी फीलिंग हो रही है कोयले की प्रॉपर तरीके से। वाह, बहुत बहुत खतरनाक है। देखो हम नियर बाई आ गए हैं शिप के, और वो इस तरह से इतना नज़दीक आके लगता है शिप। ये देखो जी, ओके वाह, ये तो सो गाइस, ये तो हम लोग शिप के ऊपर चढ़ गए, और शिप के ऊपर का व्यू कैसा है आप देख सकते हो। सीढ़ियाँ चढ़ने में बैंड बज गई इसकी जहाज की, आप देख सकते हो शिप के ऊपर है और इस तरह का व्यू है। और ये देखो कोयला खाली हुआ है वहाँ से, और वो ऐसे रिफिल हो रहा है, और ऊपर से आप देख सकते हो कितना ऊंचा डेक है इसका। मुझे सांस इसलिए चढ़ी है जो डेक पे आने के लिए जो सीढ़ियाँ थी ना बहुत ऊँची थी। ये देखो जी, ये देखो रस्सियों से कितनी मोटी मोटी रस्सियाँ हैं, इसे क्रॉस करना पड़ रहा है। ये देखो जी, ये शिप, मुझे विश्वास नहीं आ रहा इतने बड़े शिप के ऊपर मैं चढ़ा हूँ। ओह माइंड ब्लोइंग, ये देखो कैसे कोयला वगैरह खाली हो रहा है, और कितना बड़ा शिप है। हम चले आ रहे हैं, अब हम 100 मीटर तक हम चल पड़े हैं तभी ये शिप ख़त्म होने को नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का व्यू है। ओके, ये देखो ऊपर चलते हुए जीजू, मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। ओके जी दोस्तों, जिसमें कोयला आता है ना वो इस तरह से आता है। बाप रे, कंटेनर देखो कितना बड़ा है भाई। अंदर तो वो भी है, क्या बोलते हैं, ट्रेन वगैरह, वो इतना पूरा भर के आए थे, ये सारा निकाला ना। कोयले के लिए स्पेशल होता है ये शिप, ये पूरा ऊपर तक भर रहा होता है। और ये जगह पे कोयला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ तक तुम्हें काली नजर आ रही है, हाँ, वो लाइनिंग नजर आ रही है, उतनी दूर तक ये कोयला भरा हुआ था। ओके ओके, आप देख सकते हो अभी निकालेगा कोयला, ठीक है। अभी तो एंड हो चला, 24 घंटे लगते हैं इसको खाली करने में, जैसे जीजू बता रहे थे, खरोच खरोच के निकाला जाता है। ये देखो क्रेन कितनी बड़ी है, ये इसको कोयला पूरा फिल किया इसको, इसमें क्रेनों ने अब इसको ऊपर ले जाएगी। 100-100 टन की ये वो क्रेन है ना। ओके, क्या डेंजर है भैया, इसको पूरा एकदम पैक करके उसको नीचे खाली कर देगी। वो दोस्त है जीजू का, वो जो कर रहे हैं वो वाले पे क्लियर दो। ये कितने होते हैं ये बॉक्स, ये 7 7 होते हैं। इधर वाले खाली हो गए होगा ना, उधर ये 7 है। गाइस, ये जहाज की केबिन है जहाँ से पूरा जहाज कंट्रोल होता है। डॉक, ये ना डेक एरिया, डेक एरिया से ऊपर ये वाला, यहाँ से कंट्रोलिंग एरिया है। तो अंदर एसी रहते हैं, रूम्स रहते हैं जहाँ पे सोते हैं एम्प्लॉयज वगैरह, ये इसको आप देख सकते हो। बाकी तो आपको होल्स वगैरह दिखाए, 7 होल होते हैं जहाँ पे कोयला आता है फिल होके। ये इसको जी एमरजेंसी, इसमें सारी ड्रिल वगैरह भी होती है, सब कुछ होती है। ये इसको जी आप देख सकते हो, ये वाटर सप्लाई सब कुछ, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करते हैं ये सब, तो वही हिसाब है। और ये वाला देखो भाई, ये यूएसए का है, ये सेफ्टी बोर्ड है, ये यूएसए का जहाज है, आप देख सकते हो झंडा फहरा रहा है। ये देखो जी, बांध के रखते हैं एंकल डाल के ना, होल्ड किया जाता है। ओके जी, सो गाइस हम जहाज के इस हिस्से में आ गए। ये देखो जी, यहाँ से समुंदर लग जाता है, ठीक है। ये डॉक एरिया है जहाँ पे आपको मतलब कि लास्ट शिप वगैरह आते हैं, वो देखो होल्ड किया हुआ है शिप को, उसके बाद खाली होने के बाद इस रास्ते से वापस चले जाते हैं समुंदर में। कौन सी, अच्छा वो वाली जो बोर्ड आपको नजर आ रही है ना दोस्तों, ये वाली बोर्ड, ये डक बोर्ड कहते हैं, टक बोर्ड, क्योंकि वहाँ से जो समुंदर से ना खींच के लाती है। ये अपना इंजन नहीं स्टार्ट रखते हैं ये जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, क्योंकि ये फिर कम गहराई वाला एरिया हो जाता है ना, वहाँ से वो इससे जहाज को खींच के यहाँ तक पहुँचा देती है। ओके, बहुत नाइस है भैया, अभी पता नहीं था, सोचा नहीं था कि हम भी यहाँ पे इस तरह से देख पाएंगे और आपको मैं दिखा पाऊँगा। तो कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट करके ज़रूर बताते रहो दोस्तों। ये भाई ने हमें ना सजेस्ट कर दिया, थैंक यू ब्रो।
हाँ, तो अभी ये कौन सा रूम है? ये ट्रॉली रूम है। ट्रॉली रूम, हाँ, ये होता है रेस्ट करने के लिए। अगर अच्छा, कभी भी हमें रेस्ट करने का मन करे तो हम यहाँ आ जाते हैं, हमारा बैठने के लिए, सोने के लिए, या खेलने के लिए, या टिफिन लंच अच्छा, अच्छा, करना हो तो इस रूम में। जैसा कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह भी चल रही है, एसी है, वेंटिलेशन है, पूरा कूल है। हाँ, ये जहाज की केबिन में ऐसे रूम होते हैं। ये हमारे लिए है कि जो हम आउटसाइड जो भी यहाँ वर्कर अच्छा 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 काम करते हैं तो वो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिप के अंदर ही थोड़ी सी जगह वेसल के ऊपर में जो काम करते हैं वो हर कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार दिखाओगे मुझे कंपार्टमेंट्स कैसे होते हैं? हम कॉरिडोर से बना लेते हैं। तो आप देखो, क्योंकि सब कुछ अलाउड नहीं होता ना अंदर, तो अलाउड नहीं होता, थोड़ा विजिट कर। अगर नहीं अभी रहने दो, कोई बात नहीं, अलाउड नहीं है, बट हम बाहर से आपको दिखा देते हैं। ये देखो जी, भाई हमें दिखा रहा है व्यू इनसाइड का। ये देखो जी, हाँ, तो ये देखो, ये ब्रदर हमें इनसाइड व्यू दिखा रहे हैं यहाँ का, कैसे शिप होती है। दिस इज ऑपरेटिंग, तो दिस इज द इंजन, इंजन ऑफ ये वाला जो शिप का है, ये आप देख सकते हो। माइंड ब्लोइंग, ये हमारे जो हैं ये हेल्प कर रहे हैं, ये वाला एरिया बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, तो अंडे हो रहे हैं। अच्छा, अंडे हो रहे हैं। उसके नीचे और है एक, नीचे ही रहना पड़ता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके भाई साहब, बहुत मज़ा आया, ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया। तो चलो अभी हम इस तरह से केबिन होते हैं शिप के अंदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और थैंक्स भाई का, ये चाइना से हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी और हम पहुंच गए। थैंक यू। खोल दरवाजा, खोल। रेडी, ओके, योर नेम? आपको चाइना के अपने नए फ्रेंड से मिलवाएंगे, तो व्हाट आई एम नीड टू मेक अ वीडियो, मेक अ वीडियो। हां, नो, तो हो गया, लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। So how many days you spend here? Spend here nearly 6 months. 6 months. Yes. And you are very new here? Yeah. And you? 2 months. Okay, 2 months. Okay, you love to work here? Love to work here? No. No, because this is a little... It's too tired. No. It's okay, work is work. We can, whenever we're walking anywhere, we have to love the work. So this is a very new thing for me, but I love it too much when I see this. It's a very big ship where you are working, Yes. I also want to work like this, but it's okay. But this is your work, I'll really salute you. You are working very hard and very efficient. Because if you get any mistake, this will be a trouble. Yes, yes. So thanks a lot, buddy. I'll meet you if I'll get a chance. So thanks a lot. Nice to meet you, bro. Bye. Nice. Take care. Have a good day. Yeah, thank you. दोस्तों ये जेसीबी देखो यार, यहाँ पे जो काम होती है, कितनी बड़ी बड़ी जेसीबी है, है ना। ये देखो, ये कोयले वगैरह को यहाँ, ये वाइट स्टोन, ये देखो कैसे खाली किया जाता है ना। ये फिर लोडिंग होती है जेसीबी के अकॉर्डिंग। ये देखो जी, इस तरह का ये सारा मेंटेनेंस है, और इस तरह से ये मेंटेन होता है, बनता है सब कुछ।